अस्सलामुअलैकुम गाइस, टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा वर्ल्ड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, इधर मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है कहीं नॉर्थन एरिया में जाने का, तो आप सब काम छोड़ के गाड़ी में सबसे पीछे बैठ जाएं, नज़र भी ना आए, और तब पता चले जब आप नॉर्थन एरिया में पहुँच गए हों और वहाँ जा कर निकलें, ठीक है? क्योंकि बहुत चस आती है यार, बहुत मज़ा आता है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ा नॉर्थन एरिया में, पहाड़ी इलाके में, ऊपर से स्नो फॉलिंग हो रही हो तो चस आ जाती है। सही बात, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत है इसकी सीरियसनेस। आपको पता नहीं नजर आ रही है नहीं, लेकिन और गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी, और मैंने कहा कि क्या करूं, बस फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, कैमरा किसी दूसरे बंदे को पकड़ा के मैं थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो फिर मैंने कैमरा अपने दोस्त को पकड़ाया, और फिर वहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा ऊट पटांग हरकते की और बहुत इन्जॉय किया, चास आ गई, और मैंने फिर गिरने की एक्टिंग की, लेकिन गिरा नहीं। गिर जाता तो कुछ चोट फोट लग जाती मुझे फिर, लेकिन बर्फ़ देखी मैंने और मैं बस पागल हो गया। मैंने कहा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत ये बर्फ़ ही है, तो इसलिए मैं इधर ही इन्जॉय करता हूँ। फिर मैंने ऐसे टांग मारी बर्फ़ को, और बर्फ़ उठ के वो भी वहाँ पे की जैसे हम एक्स को टांग मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। बहुत चास आई गाइस। क्यों हमजा, आ रहा मज़ा? बहुत लेवल किस्म की स्नो फॉलिंग हो रही है, देख रहे हैं आप कसम से। ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब हम आ रहे थे तब क्या सीन था, धूप थी छिपा थी। बस अभी देख लेना, यही अल्लाह पाक की कुदरत है कि कुछ भी हो जाता है। और फिर गाइज यहाँ पे मुझे ना वो वाली फीलिंग्स आ गई, वो गाना आपने सुना है ना कि यार कौन सा गाना था, क्या नाम था उसका, भूल गाइज वो वाला, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे मिला करो, ये वाला गाना। जब हम आए थे तब यह सीन था कि धूप थी, अच्छा, लेकिन अब कैमरा तरह किधर जा रहा है उस्ताद जी, आगे भी देखना, बहुत हैवी मामला हो गए, और जैकेट वगैरह भी लेकर आया था मैं। आसमान में ना सुराख हो गए, ये देखे सारी बर्फ नीचे आ रही है, बहुत हैवी किस्म की स्नो फॉलिंग हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा चस भी आ रही है, लेकिन चेक करें गाइस। जाते वाते सबसे पहले हम पहुंचे हैं, आते हुए भी सबसे हम पहले नीचे आए हैं। यासर भाई, व्हाट अबाउट दैट, यू नो कजल हो गए आए हैं, और ये बिग एप्पल वो लगा हो गया। दानी की लंबी स्टोरी है गाइस, लंबी स्टोरी है, आप ना सुने, ना सुनो सीरियसली। अच्छा, इधर फिर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, यासर भी धूप में बारिश हो रही है, बारिश में स्नोफॉल है, स्नोफॉल है, अल्लाह के बंदे क्या हो गया ये देख। ओ यार, थोड़ी सी आइस इसमें डालने ने बहुत ठंडी कर दी। सो गाइस, तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, देन फिर घर चले जाएंगे। बहुत बस नहीं होता यासर भाई, सो गाइस तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, ठीक है, खाना खा के हम फ्रेश हो के उसके बाद हम चाय शाय पी के, कॉफ़ी शॉफी पी के, टुम उमल के मिल के चिल हो के उसके बाद हम फिर जी गाड़ियाँ निकाली और घर की तरफ वापस रवाना हो गए। हमने कहा चले घर के, घर चलते हैं आके, सही है। और रस्ते में मैंने फिर देखा कि व्यू बहुत आउट क्लास आ रहा था, एंटीक किस्म का, तो मैंने कहा इसलिए थोड़ा सा ना शॉर्ट क्लिप ले लें। और गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके थे, पिंडी में आ चुके थे, और फिर इधर से हमारा 10-15 मिनट का घर का रास्ता था, फिर हम उधर से घर की तरफ जा रहे थे, और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि चस तो आ गए थे, लुल तो गए, पर चस बढ़िया ही सी।
और एंड द एंड गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, कमेंट्स लाजमी करें, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते यार, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।